नमस्ते बच्चों, आज एक कहानी में कुछ कबूतर। कबूतर तो आपने देखे होंगे, आपके घर के आसपास हमेशा दिखते हैं, गुटरगू गुटरगू ऐसा आवाज़ करते रहते हैं ना। तो एक जंगल था, वहाँ पे बहुत सारे कबूतर रहते थे और कुछ भले लोग वहाँ पे हमेशा दाने, अनाज के दाने वहाँ डालते थे, जो कबूतर खाने के लिए नीचे आते थे और खा करके फिर से ऊपर अपने झाड़ पे चले जाते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक शिकारी आया और उसने सभी जगह पे दाने डाल दिए ज़मीन पे और उसके ऊपर जाल बिछा दिया। आपको ये कहानी शायद मालूम हो। तो जाल बिछा दिया तो कबूतर सब नीचे उतरे, दाने चुगने लगे, लेकिन दाने चुगते चुगते उनके पैर जो है वो जाल में फंसते गए धीरे धीरे। अब दाने चुगने के बाद उनको ये पता चला कि अरे हमारे पैर तो जाल के अंदर फंस गए, अब उड़ नहीं सकते। उन्होंने कोशिश की हर एक ने, लेकिन हुआ नहीं कुछ। तो उनका जो एक कबूतरों में एक बूढ़ा कबूतर जो था, जिसको ज़्यादा समझ थी थोड़ी, तो उसने सबको कहा कि अब देखो एक काम करो, अब सभी कबूतर जो है वो शांत हो जाएंगे और सभी एकदम शांति से बैठे रहे। जैसे ही वो आता है शिकारी जाल लेने के लिए, तो उस समय सब ने साथ में उड़कर जाना है। एक साथ सब उड़ेंगे तो ही हम ये जाल के साथ उड़ सकेंगे और फिर हमें वहाँ से निकल सकते हैं। तो सभी कबूतरों ने कहा ठीक है ऐसा ही करेंगे। तो सभी शांत हो गए। तो उसको लगा कि हाश, चलो इतने सारे कबूतर अपने जाल में फंस गए। तो शिकारी आया लेने के लिए। तो जैसे शिकारी वहाँ नज़दीक आने लगा, सब कबूतरों को वो जो नेता था कबूतरों का, बुजुर्ग कबूतर, उसने कहा चलो उड़ो। तो सब लोग कबूतरों ने साथ में अपने पंख जो है वो खोल दिए और उड़ने के लिए कोशिश की। चूँकि सब लोग साथ में, कबूतर साथ में उड़ रहे थे, इसलिए वो जाल के साथ उड़ सके। और वो जाल के साथ उड़ करके गए। वो शिकारी बेचारा है जो देखते रह गया। और आप सब लोगों को तो मालूम है कि शायद आपको उसकी कहानी सुनी हो, तो उनका एक चूहा मित्र था। तो वो जाल के साथ उड़ करके वो चूहे के बिल के पास गए और चूहे को बुलाया। चूहे ने सबके जाल वो जो थे वो उसके धागे काट दिए और सब उतर कबूतर जो है वो खुल के उड़ गए। इससे क्या हम सोचेंगे, बोलो? एकता, एकता में शक्ति होती है, संगठन में शक्ति होती है। सब लोग साथ में मिलकर के कुछ काम करते हैं तो उसमें शक्ति होती है, क्योंकि सभी का साथ में उसका ये मिलता है ना, बल मिलता है। एक अपनी उंगली और ये अपनी पांचों उंगली की मुट्ठी, किसमें ज़्यादा शक्ति है? मुट्ठी में। तो इसलिए एकता में शक्ति है, ये याद रखना बच्चों, ठीक है ना? हमेशा सबके साथ रह करके सबके साथ अच्छा काम करना। धन्यवाद।